गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण राणा, इंस्पेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ जीरो FIR। इस विषय पे बोलने से पहले मैं FIR को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पुलिस नियम 2247 और फॉर्म नंबर 24-5A के ऊपर और सेक्शन 154 CRPC के तहत FIR को पंजीकृत किया जाता है। जब भी किसी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस के पास सूचना मिलती है तो पुलिस उसको FIR रिकॉर्ड करती है। अब मैं बात करूंगा जीरो FIR के बारे में कि जीरो FIR कब दर्ज की जाती है और उसे दर्ज करने का इसके पीछे क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पे बिमला रावत वर्सी स्टेट ऑफ NCT और सतबिंदर कौर वर्सी स्टेट ऑफ NCT दिल्ली में गाइडलाइंस और अपने जो डिसीजन था उसमें बताया था कि जब भी पुलिस के पास किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, भले ही उस जो प्लेस ऑफ अकुरेंस हो वो डिफर हो दूसरे पुलिस स्टेशन का हो, लेकिन पुलिस जो वो उसको FIR को दर्ज करेगी। लेटेस्ट जो इसमें जजमेंट आई थी वो ललिता कुमारी बरसी स्टेट ऑफ UP की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शन दी थी कि जब भी पुलिस के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है विच डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस विल इमीडिएटली रजिस्टर FIR। जीरो FIR, जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हैदराबाद में एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, जिसे कि पुलिस ने एक काल्पनिक नाम दिया था दिशा, जिसकी एक बहुत ही ब्रूटली उसका रेप का मर्डर हो गया था और दो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो वो आपस में जो बाउंड्री डिस्प्यूट था उसमें उलझी रही और उसमें डिले हुआ और बाद में पुलिस के ऊपर कुछ पुलिस कर्मचारियों के ऊपर एक्शन भी लिया गया। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जीरो FIR का होना बहुत ही जरूरी है। जीरो FIR यानी कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस कहीं भी हो तो भारत के किसी भी कोने में FIR दर्ज करवाई जा सकती है। सपोज करो अगर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर पुलिस स्टेशन में के जुरिस्डिक्शन में कोई अपराध घटित होता है, लेकिन वो पीड़ित व्यक्ति जो वो शिमला में जाके या दिल्ली में जाके किसी भी पुलिस स्टेशन में उस अपने अपराध के उसके साथ जो अपराध हुआ है उसके बारे में FIR वो लॉज करवा सकता है। पुलिस के पास जब इन्फॉर्मेशन आएगी संज्ञेय अपराध की तो पुलिस को ऐसे अपराध को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन जैसे पुलिस को पता चलता है कि ये अपराध जो दूसरे पुलिस स्टेशन का, तो पुलिस उसको जीरो नंबर देगी। FIR का सीक्वेंस में नंबर चलता है, FIR 1, 2, 3, 4 करके हर साल नया नंबर चलता है, सीक्वेंस में शुरू से स्टार्ट होता है। तो पुलिस जो वो उसको उस नंबर को कोई फिगर ना देके उसको जीरो FIR कंसीडर करती है, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कंसर्न पुलिस स्टेशन को। वो जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो सेक्शन 170 CRPC के तहत किया जाता है। 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक सारी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को एक लेटर एडवाइजरी जारी की थी। उसमें बोला गया है कि पुलिस को जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है और उस दशा में जब जुरिस्डिक्शन या प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो वो दूसरे पुलिस स्टेशन का है, तो पुलिस जीरो FIR दर्ज करेगी। इसका फायदा इसलिए कि जैसे विक्टिम है, विक्टिम के पास से या विक्टिम के कहने पर जो वो प्लॉजिबल एविडेंसेस अगर रिकॉर्ड में आ सकती है तो वो उसको डैमेज या स्पाइल होने से बचाया जा सके, या एक्यूट जो है जो सस्पेक्ट है वो उसका कोई अनड्यू एडवांटेज ना उठा सके। जैसे सपोज करो अगर मुंबई में किसी महिला के साथ दूरा जा रहता है और वो अपने मायके दिल्ली में आ जाती है, तो दिल्ली में अगले दिन दिल्ली में आ जाती है तो दिल्ली में FIR दर्ज करवाती है, तो पुलिस को FIR दर्ज करवानी है और उसका मेडिकल चेकअप 164A CRPC के तहत इमीडिएटली करवाना है, क्योंकि उसका शारीरिक जो चिकित्सा परीक्षण करवाने से उससे उसके शरीर से बहुत सारे हमें प्लॉजिबल एविडेंसेस साक्ष्य मिल सकते हैं जो कि उस अपराध को प्रूव करने के लिए सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। तो और दूसरे केसों में जब इन्वेस्टिगेशन वैसे भी अमूमन करते हैं
और बीच में पता चलता है कि ये FIR जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है दूसरे पुलिस स्टेशन का है, तो भी उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा केस पंजीकृत करने में फेल हो जाता है तो सेक्शन 166A IPC के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल लर्न मच फ्रॉम दिस टॉपिक एंड माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।